स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो हमारा टॉपिक ये था डिसीज़न मेकिंग, कल परसेप्शन जो चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया था। हमने कुछ एग्जांपल्स आपके परसेप्शन के बताए थे कि ये परसेप्शन क्या होता है, अपने नॉलेज को यूज करना, इंटरप्रेट करना। जैसे कि हमने आपको एक इल्यूजन का एग्जांपल दिया था, एंड हमने यहाँ पे जो दो एग्जांपल दिया है, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इन्वर्टेड एंड टू डायमेंशन, एट वी सी द वर्ल्ड द राइट वे अप एंड इन थ्री डायमेंशन। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो इमेज होती है वो रेटिना पे जो फॉर्म होती है वो तो अपोजिट होती है, इन्वर्ट होती है, उल्टा बनती है, और टू डायमेंशन में बनती है, बट हमें जो वर्ल्ड होता है, जो संसार है, वो हमें राइट वे में दिखता है एंड थ्री डायमेंशन में दिखता है। तो ये क्यों होता है? ये परसेप्शन की वजह से होता है। एंड ये आप ये परसेप्शन का एक गुड एग्जांपल था। नेक्स्ट हम टॉपिक पे थे डिसीजन मेकिंग। ओके, सो स्टार्ट करें डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका मीनिंग होता है कि डिसीजन लेना, डिसीजन टेक करना, आप क्या डिसाइड कर रहे हो, वो वही होता है डिसीजन मेकिंग। बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और इसको कुछ डिफाइन कर रहा है कुछ अलग तरीके से। देखते हैं इसमें बता क्या रहा है डिसीजन मेकिंग को। हैविंग रिकॉग्नाइज कोहरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टिमुली रीचिंग आवर सेंस अ कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ टू बी डिसाइडेड अपन, इन अदर वर्ड्स डिसीजन मेकिंग अदर्स। कह रहा है कि हम अपने सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन को टेक करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बेस पे जो चीज़ हम डिसाइड करते हैं वही चीज़ होता है डिसीजन मेकिंग। एंड इसको ब्रीफ डिफिनेशन इसका एक ये वाला है जो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ये क्या कहता है देखिए। डिसीजन मेकिंग इज़ द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रायर एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, कॉन्टेक्स्ट, गोल, सिलेक्टिंग वन प्रेफर्ड ऑप्शन। इट्स ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो कि जनरेट होता है किससे? कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो हम एक्शन लेते हैं या फिर जो भी हम डिसाइड करते हैं किस किस किसके अकॉर्डिंग, तो हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगा चाहे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में हो जो भी, एंड प्रायर एक्सपीरियंस जो हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस हो, एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बेस पे, कॉन्टेक्स्ट गोल अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग, जो भी हम डिसाइड करते हैं वो जनरेट करता है डिसीजन मेकिंग को। एंड या फिर हम सिलेक्ट करते हैं किसी वन प्रेफर्ड ऑप्शन को, जैसे हमने कहा कि ए बी सी तीन ऑप्शन है, इसमें से ए सबसे बेस्ट है, बी थोड़ा सा लो है और सी मीडियम है, तो आप बेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो यही चीज़ है डिसीजन मेकिंग जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो इसमें बस इतना सा है। एंड नेक्स्ट लाइन ये कहती है, इट्स आल्सो डिस्क्राइबिंग एज अ थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई सिचुएशन हो जिसे हम सॉल्व करते हैं, एंड जजमेंट जो हम निर्णय लेते हैं, ये भी डिसीजन मेकिंग में आता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सो हम 4.42 वाला पॉइंट देखते हैं, 4.4.2, व्हाट इज सेइंग दिस पॉइंट।
दिस इज रेंज फ्रॉम डिसाइडिंग टू नथिंग टू डू नथिंग टू डिसाइडिंग एक्ट इमिडिएटली इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर. जैसे कह रहा है कि इसमें कभी कभी ये डिसीजन मेकिंग इस तरह से होता है कि हमें उस टाइम को कभी कभी हमें प्लीज सो हम ये कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है डिसीजन मेकिंग कि उसमें हमें कुछ सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे. जैसे कि आपका फायर अलार्म बजा तो आपको क्या करना चाहिए, स्विच ऑन करेंगे, मे ट्रिगर एज वेल ट्रेंड सिक्वेंस एंड एक्शन विदाउट फर्दर थाट. इसमें ये बोला कि आप फायर अलार्म अगर बेल करता है, अलार्म बजता है, तो आप तुरंत ट्रिगर को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे एंड फर्दर एक्शन लेंगे, आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो डिसीजन मेकिंग में ये भी होता है कि कभी कभी हमें फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, ना कि हमें थिंकिंग करने की ज़रूरत होती है. ओके, जैसे कि अगर फायर लगा तो आप फायर एक्सटिंगाइशर डायरेक्ट यूज करेंगे, ये नहीं कि आप सीखेंगे वहाँ पे बैठ के कि हम अब कैसे यूज करें इसको. ओके, हमें डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है. तो वो एक लिए लाइन बता रहा है एंड नथिंग इज हियर आल्सो सेम इज वी आर नॉट यूजली फुली अवेयर ऑफ प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन वी यूज टू मेक अ डिसीजन. वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन विच वी यूज टू मेक अ डिसीजन. टूल कैन बी यूज टू असेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन. कह रहा है जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो केवल हमारे इंफॉर्मेशन से हो, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो. डिसीजन मेकिंग टूल बेस पे भी होता है. जो भी हमारे पास टूल अवेलेबल हो, जहाँ पे जैसे हम मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो हम अपने टूल के बेस पे भी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, तो हमारा टास्क कैसे कंप्लीट होगा. तो ये भी डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन जाता है. देन ये बोल रहा है कि मेनी डॉक्यूमेंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स भी हम डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस मैनुअल, फॉल्स डायग्नोसिस मैनुअल एंड अदर प्रोसीजर आर अवेलेबल टू सप्लीमेंट बेसिक डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल. और अदर्स सप्लीमेंट्स भी हमारे हेल्प करते हैं डिसीजन टेक करने में या फिर कुछ डिसाइड करने में. दस गुड डिसीजन आर बेस्ड ऑन, यहाँ पे ये बोलता है कि गुड डिसीजन तभी अच्छा होता है, मतलब हम डिसीजन तभी बेस्ट लेते हैं. नॉलेज सप्लीमेंटेड बाई रिटन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर एनालिसिस ऑफ सिम्पटम्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेशंस. कह रहा है गुड डिसीजन तभी होता है जबकि हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो एक किस पे बेस्ट हो, नॉलेज सप्लीमेंट पे बेस्ट हो, जो कि रिटन इन्फॉर्मेशन हो हम उसका यूज करें एंड प्रोसीजर जो उस पर लिखा हो उसको फॉलो करें और एनालाइज करें सिम्टम्स को जो भी ऑब्जर्व हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें. यस ओके हाँ बोलिए सर. अभी एक टॉपिक होने के बाद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए. ओके, हमने मैं आपको मैं जब जैसे क्लास कंप्लीट करता हूँ सुनिए सुनिए ऐसे मैं करूँगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे क्लास कंप्लीट होती है मैंने ग्रुप में आपका फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं सर. ओके, तो हमने आपको थर्ड क्लास है तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया होगा कि जैसे क्लास कंप्लीट हो जाता है मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ कि क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. हाँ, मैं अपडेट करता हूँ वो डेली ताकि मुझे बार बार लिंक ना शेयर करना पड़े, इसलिए मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है और एक्सेस दिया है कि कोई भी उसे व्यू कर सकता है. मैं वो डेली अपडेट करता हूँ जैसे क्लास कंप्लीट होती है, आफ्टर 1 आवर या 2 आवर, जैसे मेरे को टाइम मिलता है. ओके, या सो मैंने ये डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया कि नहीं, YouTube के डिस्क्रिप्शन में नहीं, जिस मॉडल 9 का जो ग्रुप है ना उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. ओके,
देखिए गुड डिसीजन कब किसके बेस पे होता है, तो कह रहा है कि गुड डिसीजन तभी हम लेते हैं, अच्छा डिसीजन जो कि है नॉलेज सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं रिटन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर के बेस पे, या फिर जो सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं उनके बेस पे अगर हम डिसाइड करते हैं तभी हमारा डिसीजन क्या होता है, बेस्ट होता है. ओके. एंड इट कैन बी डेंजरस, ये कह रहा है कि डिसीजन डेंजरस हो सकता है. व्हेन कब, इट कैन बी डेंजरस टू बिलीव दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रायर एक्सपीरियंस विल ऑलवेज सफिशियंट इन एवरी सिचुएशन एज वेल शोन इन द सेक्शन एंटाइटल्ड. कह रहा है कि अगर हम प्रायर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हम ऑलवेज से यूज करते आए हैं अगर उनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं हमेशा, तो ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है. इसलिए हमें गुड डिसीजन के लिए हमें प्रोसीजर मैनुअल्स और सप्लीमेंट्स जो कि हमारे पास हैं उनका यूज करना ज़रूरी है. ओके. क्योंकि हमारे मैनुअल्स ये चेंज होते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं, तो हमें अपने मैनुअल सप्लीमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है. ओके. या फाइनली लास्ट लाइन में क्या कहता है, फाइनली वंस अ डिसीजन हैज़ बीन मेड एन अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी कैरिड आउट आवर सेंस रिसीव फीडबैक ऑफ दिस एंड इट्स रिजल्ट. कह रहा है जैसे भी कोई डिसीजन मेड हो जाता है तो एक अप्रोप्रिएट एक्शन कैरी होता है, कैरिड आउट होता है, जो कंप्लीट होता है, और आवर सेंस रिसीव फीडबैक ऑफ दिस एंड इट्स रिजल्ट. और जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसे सेंस करता है, फीडबैक उसे मिलता है कि हाँ ये डिसीजन हमारे लिए बेस्ट है और इसको रिजल्ट में इम्प्लीमेंट करता है. ओके. दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड रिफाइन फ्यूचर जजमेंट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. और ये इसमें भी हेल्प करता है कि हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और फ्यूचर में जजमेंट लेने में भी हमारी हेल्प करता है विद एक्सपीरियंस. ये आपका डिसीजन मेकिंग है. सिंपली आप समझते हैं कि डिसीजन होता क्या है, बस यही है. बट ह्यूमन फैक्टर है तो ये थोड़ा डिस्क्राइब करता है और एक इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके. नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल थी, हाँ नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल थी उसमें मेमोरी है. तो मेमोरी का देखते हैं क्या है, व्हाट इज मेमोरी. तो मेमोरी इज क्रिटिकल टू आवर एबिलिटी टू एक्ट कंसिस्टेंटली एंड लर्न न्यू थिंग्स. विदाउट मेमोरी वी कुड नॉट कैप्चर अ स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन रीचिंग आवर सेंस और ड्रॉ ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड अप्लाई दिस नॉलेज व्हेन मेकिंग डिसीजंस. कह रहा है ये कि जो मेमोरी होता है ये एक ऐसा क्रिटिकल थिंग्स है जो जिसके पास एक एबिलिटी होती है जिसके वजह से हम कंसिस्टेंटली मतलब लगातार नई चीज़ों को सीखते हैं. विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट कैप्चर अ स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स अगर मेमोरी ना हो तो उसके बिना हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, रिच नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन के पास, या फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से हमारी मेमोरी तक रिसीव नहीं होगी, कैप्चर नहीं होगी, या फिर और ड्रॉ या कोई चीज़ ड्रॉ ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर हम जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भी हम याद नहीं कर पाएंगे, रिमेंबर नहीं कर पाएंगे अगर मेमोरी ना हो तो. ओके. एंड अप्लाई दिस नॉलेज व्हेन मेकिंग डिसीजन. और जो हमारे पास नॉलेज है हम उनका भी यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके पास मेमोरी ही नहीं है. जब मेमोरी आपके पास नहीं होगी तो आप नॉलेज का भी यूज नहीं कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट लाइन कहते हैं मेमोरी कैन बी कंसिडर्ड टू स्टोरेज ऑफ स्टोरेज रिटेंशन इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. तो वही होता है कि मेमोरी, आप समझते हैं मेमोरी क्या होता है, यादों को जो इकट्ठा करता है, गैदर करता है, वही है. तो ये बोल रहा है कि मेमोरी क्या है कि ये स्टोर करता है, रिटेन करता है इंफॉर्मेशन को एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, एज वेल एज एबिलिटी टू रिट्राइव दिस इंफॉर्मेशन. ये क्या है रिट्राइव? रिट्राइव मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना या फिर रिकवर करना. जब भी हम टास्क कर रहे हो या फिर अपना काम कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव कर सकें जो भी मेरे पास है. तो ये मेमोरी के फंक्शंस है कुछ, ये इसको डिफाइन कर रहा है. ओके. आई लेफ अंडरस्टैंड. हेलो. ओके.
ओके देन नेक्स्ट है मेमोरी डिपेंड्स ऑन थ्री प्रोसेस. देखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स ये होता है कि हम पहले इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं स्टोर, फिर हम उन इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं. ओके और एंड जो थर्ड प्रोसेस होता है मेमोरी का वो होता है रिट्राइवल. रिट्राइवल मीन्स रिकवरी ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो हमारी मेमोरी वो इंफॉर्मेशन हमें रिकवर करके देती है. ओके ये सिंपल से तो थ्री प्रोसेस है मेमोरी के जो कि इंपॉर्टेंट है और ये मॉड्यूल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. व्हाट इज रिट्राइवल या फिर मेमोरी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस ऐसे करके. तो ये थ्री ए बी सी करके दिया होता है, डी में नन या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्वेश्चन में. नेक्स्ट है 4.5.3. इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंगाइज बिटवीन थ्री फॉर्म्स ऑफ मेमोरी. यस ई ओके ओके मैं यूज करता हूँ पेन. इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन. ओके देन देखिए 4.5.3 इट्स पॉसिबल टू डिस्टिंगाइज बिटवीन थ्री फॉर्म्स ऑफ मेमोरी. कह रहा है कि हमारा जो मेमोरी होता है उसके थ्री फॉर्म्स है एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि आपका ये पूछ लेता है फॉर्म्स ऑफ मेमोरी. एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं एंड शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी को इसे हम कहते हैं एज अ वर्किंग मेमोरी. और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो भी हमारे इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अनलिमिटेड होती है. ये अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन को रख सकती है या फिर अनलिमिटेड टाइम तक ऐसा. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी मेमोरी कितनी देर तक इंफॉर्मेशन को रिटेन करती है. तो हम आए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे. हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्क्राइब एंड एग्जामिन द रोल ऑफ सेंसरी स्टोर. इसको सेंसरी स्टोर भी कहते हैं. इट हैज़ बिन ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 सेकेंड. कह रहा है कि जो ये हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये इंफॉर्मेशन को 2 सेकेंड तक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेंस. ये हमारे सेंस पे डिपेंड करता है. एंड इज यूज्ड एज अ बफर गिविंग अस टाइम टू अटेंड टू सेंसरी इनपुट. ओके तो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो अप टू 2 सेकेंड. ये आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, 2 सेकेंड ड्यूरेशन है. शॉर्ट टर्म मेमोरी आप देख सकते हैं. रिसीव अ प्रोपोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इनटू सेंसरी स्टोर अलाउ अस टू इंफॉर्मेशन लॉन्ग इनफ टू यूज इट. ये हमें अलाउ करता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को काफ़ी समय तक यूज कर सकें, बट कितना ये अभी ये बताएगा. इट कैन स्टोर ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसके बेस पे हम काम करते हैं. ये कह रहा है कि इट कैन स्टोर ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को एट वन टाइम स्टोर करता है. जैसे एग्जाम्पल में 5 to 9 इन्फॉर्मेशन को एक टाइम में स्टोर ये कर सकता है, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है. ओके हाउ मैनी इन्फॉर्मेशन इट कैन स्टोर एट अ वन टाइम, 5 to 9. ओके 5 to 9 ऑफन रिफर्ड टू एज 7 ± 2, मतलब कि 7 to 9 और 7 से ± 2 माइनस कर देंगे तो वही 5. इसी 5 to 9 को ये डिफाइन किया है 7 ± 2, जो कि एक टॉलरेंस में डिफाइन किया है. ओके हेलो हेलो गिव योर रिस्पॉन्स. हमें आपके आप लोग के रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ जाता है. हेलो गिव योर रिस्पॉन्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ओके देन नेक्स्ट है, मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये 5 to 9 इन्फॉर्मेशन को एट अ वन टाइम रिटेन कर सकता है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. कितने ड्यूरेशन के लिए? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कितने, 10 to 20 सेकेंड तक ये इन्फॉर्मेशन को
स्टोर कर सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी ओनली 2 सेकेंड के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी 10 to 20 सेकेंड तक ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और एट वन टाइम ये कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, सो ये 5 to 9 इन्फॉर्मेशन। ओके, कह रहा है कि हम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, लास्ट लाइन में यहाँ पे देखिए आप, एज अ फॉलोइंग एग्जांपल शोज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी एक्सटेंड स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन टू चंक्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। कह रहा है कि हम ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कि हम इन्फॉर्मेशन को अगर स्प्लिट कर लेते हैं चंक्स मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम इसे और देर तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर ये हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये इन्फॉर्मेशन को कुछ और देर तक स्टोर कर सकती है, बट ये नहीं बताया कि कितना देर तक स्टोर करेगी, बट इसने ये बोला है कि इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कब, जब हम इन्फॉर्मेशन को स्प्लिट कर सकते हैं तो ये और देर तक या फिर अधिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकेगी। जैसे कि एक टेलीफोन नंबर यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आ रहा है, टेलीफोन नंबर कैन बी स्टोर्ड 11 डिजिट्स इन विच केस इट इज़ अनलाइकली टू बी रिमेम्बर। जैसे इस तरीके से कह रहा है कि ये बहुत अनलाइक है इसको रिमेम्बर करना, ये ईजी नहीं है एक तरह से, क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है एक तरह से। ओके, पूरा एक लाइन में है, कंटिन्यूस है, सो इट्स नॉट ईजी टू रिमेम्बर, अनलाइकली टू रिमेम्बर कि ये वन आई में आप देखें और आपको रिमेम्बर हो जाए, जैसे कि फर्स्ट आपका व्यू आप इस पे पड़े और आफ्टर 2 सेकेंड हम कहें कि आप अपना विजन हटाइए यहाँ से और हमें बताइए कि लिखा क्या था, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसी इन्फॉर्मेशन को हमने चेंज कर दिया है, 01 22 25 55 23 4, अगर इसको आपको 4 या 5 सेकेंड दिया जाता है तो आप इसको जस्ट बता देंगे बट इसको नहीं बता पाएंगे। ओके, उतने ही टाइम में, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को चंक्स में ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मेमोरी की जो इस कैपेसिटी है इसको हम बढ़ा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पॉइंट्स में या फिर चंक्स जो ये कह रहा है में ब्रेक करके। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि हाउ टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, तो चंक्स लिखता है, स्प्लिट लिखता है, तो आपको चंक्स को ही बोलना है क्योंकि इसका एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट वर्ड चंक्स होता है, तो आप यही बोलेंगे कि स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन इंटू चंक्स, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, या नेक्स्ट 4.5.6 है, द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू रिहर्सल मेंटल रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए और कह रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो क्या है ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है कि काफ़ी देर तक हम इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें, यहाँ पे हमने बताया कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसने बताया कि ब्रेक कर लो चंक्स में ताकि आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हो, बट फिर भी ये कहता है नॉर्मली आप 5 to 9 इन्फॉर्मेशन को ही रिटेन कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। एंड ये 4.5.6 कहता है कि हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी के ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, तो हम इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर लें, रिहर्सल कर लें, हो इज सो हम ये बता रहे थे कि हम ड्यूरेशन को कैसे इंक्रीज करेंगे अपनी मेमोरी की, तो हम क्या कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले, रिहर्सल कर ले या फिर इनकोड कर ले, तो हम इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से थोड़े से अधिक समय तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? हेलो, ओके, देन इट्स कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपका आई थिंक आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी।
लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी अपीयर्स टू बी अनलिमिटेड। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये काफ़ी मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कितना इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकती है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकती है। इट इज़ यूज्ड स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट विद नीड एंड हाउ दिस बिहेव पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि ये उन इन्फॉर्मेशन का यूज करती है जो कि करेंटली नहीं है, करेंट इन्फॉर्मेशन को ये नहीं यूज करती है, ये उन इन्फॉर्मेशन को यूज करती है जो कि स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, ना कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो वर्किंग मेमोरी का काम है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो प्रेजेंट में चल रहा होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसके बेस पे अकॉर्डिंग पे काम करती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये कह रहा है कि वे उन इन्फॉर्मेशन को यूज करती है जो कि इसके पास पहले से स्टोर्ड है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड्स ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स हाउ दिस बिहेव्स पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि आपके पास एक्सपीरियंस हैं, बिलीव्स अबाउट पीपल, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज, मोटर प्रोग्राम, हमने मोटर प्रोग्राम बताया कि जो अगर किसी एक काम को आप बार बार करते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है, फिर उसको आपको करने के लिए आपको बार बार सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐटोमेटिक होने लगता है, तो ये एक मोटर प्रोग्राम में है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी प्रेजेंट थिंग्स नहीं होती है कि आपको तुरंत आ जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तभी आएगा। एंड अचीव्स वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट कह रहा है कि एबिलिटीज सच एज लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, किसी लैंग्वेज को यूज करना, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड हैं जो काफ़ी समय तक स्टोर रहती हैं। ओके, देन हमने ये कंप्लीट किया था कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो क्या करती है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है उन इन्फॉर्मेशन को यूज करती है। ओके, और जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो करंट इन्फॉर्मेशन को यूज करती है। जैसे कि आपने मेंटेनेंस मैनुअल देखा और आप काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, जैसे कि आपने मेंटेनेंस मैनुअल देखा और आप काम कर रहे हैं उस मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग, मीन्स कि आप प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को यूज करता है उसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, जो इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे अंदर स्टोर्ड है या फिर जो हमारे मोटर प्रोग्राम से कनेक्ट है या फिर जो हमारे पास स्किल है, हमारा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना जो व्यूज है, सोशल नॉर्म है, हमारा बिलीव्स जो है उसके बेस पे लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करता है। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक थी 4.5.8। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी। व्हाट इज अ सिमेंटिक मेमोरी, रिफर्स टू आवर स्टोर जनरल फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द वर्ड कंसेप्ट रूल ऑन लैंग्वेज एटसेट्रा। कह रहा है सिमेंटिक मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है जनरल नॉलेज को, फैक्चुअल नॉलेज को अबाउट द वर्ल्ड, जो कि संसार के बारे में है, एंड सच कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट जो रूल्स नियम वंस ऑन लैंग्वेज, और अपने लैंग्वेज को ये सारा चीज़ स्टोर रहता है सिमेंटिक मेमोरी में। फैक्चुअल नॉलेज एक तरह से आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, सच कंसेप्ट, रूल्स एंड ऑन लैंग्वेज, ये सारा कुछ स्टोर होता है सिमेंटिक मेमोरी में। नेक्स्ट एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी रिफर्स टू मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, ये जो घटना होता है जैसे कि इंसिडेंट, एक्सीडेंट, आपको पता होगा कि जब भी आप कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट देखते हैं वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है और आपको बार बार याद आता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक इंसिडेंट है या फिर कोई इवेंट है, ये हमारी एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सारा स्टोर होता है एपिसोडिक मेमोरी में, और पास्ट एक्सपीरियंस में ये क्या बता रहा है कि इंक्लूडिंग पीपल्स, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे चीज़ें जो हमारे पास से रिलेटेड होते हैं
वो एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होता है. वी कैन यूजली प्लेस दिस थिंग्स विद इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट. इट इज़ बिलीवली दैट एपिसोडिक मेमोरी इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाई अ पर्सन एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉट शुड हैव हैपेंड. दस टू पीपल रिकलेक्शन ऑफ द सेम इवेंट कैन डिफर. कह रहा है कि एपिसोडिक मेमोरी इन बातों को भी स्टोर करता है जो हमारे बिलीव्स पे डिपेंड करता है, या फिर हम किसी से बहुत हैवली इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी से हम किसी पर्सन से या फिर किसी पर्सन के एक्सपेक्टेशन से जब हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो भी सारे इन्फॉर्मेशन को एपिसोडिक मेमोरी स्टोर करता है. ओके हेलो Give your response, please. Yes, sir. Okay. Then हम next topic पे बढ़ते हैं. आज का क्लास स्टॉप करें सर. आज की क्लास स्टॉप करें. Just 2 minutes हुए हैं. मैं only one topic I want to cover motor program. Okay? Only one motor program. Okay, sir. मोटर प्रोग्राम इट इज़ अ टास्क परफॉर्म ऑफन इनफ. जब भी हम किसी काम को या फिर किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं देन इट में इवेंचुअली बिकम ऑटोमेटिक. ये ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब ये अपने आप से होने लगता है. एंड द स्किल रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्शन आर स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. दिस आर नोन एज मोटर प्रोग्राम. और जो भी उससे रिलेटेड स्किल होता है या फिर जो एक्शन होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है. इसलिए आपका एक क्वेश्चन आता है कि मोटर प्रोग्राम रिलेटेड विद तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड व्हाट इज़ मोटर प्रोग्राम. तो अगर हम किसी वर्क को किसी टास्क को अगर बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है वो एक्शन वो स्किल, जिसकी वजह से उस टास्क को हम बहुत जल्द या फिर बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं. हमें उस पर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने बोला साइकिल चलाना, ओके, वो हमारे मोटर प्रोग्राम में स्टोर होता है जिसकी वजह से हमें रोज़ रोज़ साइकिल सीखने की ज़रूरत नहीं है या फिर बाइक सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो हमारी ड्राइविंग स्किल है वो हमारे मोटर प्रोग्राम में स्टोर हो जाती है जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट को या फिर जिसे हम ड्राइव कर रहे हैं उसे उसको ड्राइविंग उसकी स्किल को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्किल जो है उसकी हमारे मोटर प्रोग्राम में या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है. और इसी स्किल को या फिर ये जो घटना हो रही है हमारे साथ इसी को हम मोटर प्रोग्राम कहते हैं. ओके दिस आर नोन एज मोटर प्रोग्राम. ओके सर. या जैसे कि देखिए एग्जांपल में इसने यही वही एग्जांपल लिया है. ऑफन क्वोटेड एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग अ कार एट फर्स्ट. आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम कार या फिर बाइक सीख रहे होंगे तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा गियर सेक्शन पे एक्सेलरेशन पे रहता होगा. बट आफ्टर जब आप उसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं साइकिल चलाना बाइक चलाना या फिर ड्राइविंग करना तो क्या होता है आपका ध्यान उस पे नहीं रहता है, ना कि गियर पे ना कि आपका एक्सेलरेशन पे. आपका क्या होता है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप जस्ट उसे ओके कर लेते हो या फिर उसे मेंटेन कर लेते हो. ओके आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यही आपका मोटर प्रोग्राम है. ओके इसे परफॉर्म करने के लिए लिटिल अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है जब आप वो चीज़ सीख लेते हो, मतलब आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अवेयरनेस काफ़ी होता है वहाँ पे. ओके जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो नॉर्मल बच्चे करते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चे बहुत फोकस करते हैं बाइक चलाना या फिर ड्राइविंग करना, तो वहाँ पे वो कुछ नहीं करते, सारा ध्यान रोड पे होता है और कुछ ना सोचते हैं ना किसी से बात करेंगे, अगर कोई बोलेगा तो कहेंगे नहीं बोलो नहीं, तो वो ना बोलेंगे भी ना टॉक करेंगे, पूरा फोकस केवल रोड पे होता है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमसे कुछ गलत हो जाएगा. बस आफ्टर एक्सपीरियंस जब उन्हें ड्राइविंग स्किल आ जाती है तो वो गाना भी चला देते हैं, बात भी कर लेते हैं, घूम भी जाते हैं, और जो अपना एक्सेलरेटर होता है या फिर हैंडल होता है उसे स्टीयरिंग को छोड़ भी देते हैं. तो ये क्या हो जाता है, ये क्योंकि उनकी स्किल्ड जो होती है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है जिसकी वजह से हमें लिटिल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है. ओके तो ये सारे चीज़ें रिलेटेड मोटर प्रोग्राम से हैं. दिस मोटर प्रोग्राम अलाउ अस टू कैरी आउट सिमल्टेनियस एक्टिविटीज सच एज हैविंग अ कंजर्वेशन वाइल ड्राइविंग. देखिए वही लाइन इसमें भी लास्ट में कह रहा है कि इसी मोटर प्रोग्राम की वजह से ही हम ड्राइविंग के
टाइम हम कंजर्वेशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि वो जो स्किल है अब स्टोर हो चुकी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में. ओके ओके सर. ओके देन इट्स इनफ फॉर टुडे. यस सर. ओके थैंक यू सर.